जिले में बीपीएल कार्ड बनवाने के एवज में रिश्वतखोरी का काला कारोबार किस तरह से धड़ल्ले से चल रहा है, इसका उदाहरण पन्ना जिले की रायपुरा तहसील से सामने आया, जहां रायपुरा तहसील के सदर पटवारी कंप्यूटर ऑपरेटर को साकर लोकायुक्त की टीम ने 18,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटवारी की ओर से 3 अलग अलग गरीब हितग्राहियों से 8,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से 24,000 की रिश्वत बीपीएल कार्ड बनवाने के एवज में मांगी गई थी, जिसमें 2,000 रुपये हितग्राहियों की ओर से पहले ही दिए गए थे। मामला है, 3 रायपुरा के व्यक्ति थे, वो मेरे क्लाइंट के पत्रकार थे, उन्होंने मुझे विधि रूप से नियुक्त किया था कि मुझे 3 बीपीएल कार्ड बनवाना है। इस 3 बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए मैं यहाँ तहसील आया, यहाँ से जानकारी होगी पटवारी जी के पास जाना है। पटवारी जी के पास जब गया, उन्होंने कहा 8,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से लेंगे, इस हिसाब से 24,000 रुपये हो रहे थे, लेकिन हमारा सौदा तय हुआ 7-7 के हिसाब से, 1,000 रुपये उन्होंने बाद में कम कर दिया, टोटल हुआ 20,000 के हिसाब से, 2,000 रुपये पूर्व में दे दिए थे और 18,000 रुपये आज दिए गए हैं। रायपुरा के उमेश कुमार प्रजापति एडवोकेट हैं, इनके द्वारा शिकायत की गई थी लोकायुक्त में कि 3 लोगों के बीपीएल कार्ड बनवाने के एवज में रामचंद, गणेश और चेतराम, इनके बीपीएल कार्ड बनाने के एवज में यहाँ के लोकल पटवारी रामावतार वर्मा के द्वारा 8,000 रुपये प्रति व्यक्ति ऐसे 24,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। आवेदन का सत्यापन किए जाने पर आज 18,000 रुपये रिश्वत राशि लेते हुए पटवारी और कंप्यूटर ऑपरेटर भागीरथ सेन को गिरफ्तार किया।